एवर एजुकेशनल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, देखो यहाँ पे जो आपकी कक्षा द्वितीय है इसमें चैप्टर थर्ड है जो मात्राओं से संबंधित है, लेकिन आपने जो पीछे का चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला, ठीक है। आपने वर्ण में पढ़ा था स्वर और व्यंजन। अब उससे आगे हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जैसे आपने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक स्वर और व्यंजन आपस में नहीं मिलेंगे तो शब्द का निर्माण नहीं होगा, और शब्द का निर्माण नहीं होगा तो हम पढ़ना लिखना नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे आज हम शब्द का निर्माण करना ही सीखेंगे, एक रूप से शब्द का निर्माण करना ही हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखे, यहाँ पे मात्राएं सीखते हैं। स्वर में आपने पढ़ा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। उन्हीं 11 प्रकार के स्वरों में से हम मात्राएं बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मात्रा जो परिभाषा है उसको परिभाषित करते हैं, उसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि देखो जहां पे स्वर और व्यंजन आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने के बाद में जो रूप परिवर्तित होता है अर्थात उनका रूप बदल जाता है वही क्या कहलाती है, मात्राएं कहलाती है। इनको कम शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि व्यंजन के बाद में जो स्वर चिन्ह के रूप में लगता है, ध्यान से सुनना, व्यंजन के बाद में जो स्वर चिन्ह के रूप में लगता है वही क्या कहलाती है, मात्राएं कहलाती हैं। तो देखो इनको शब्दबद्ध करते हुए हम इसको परिभाषित करते हैं कि व्यंजन, व्यंजन तो आप सब जानते हैं, स्वर भी जानते हैं, व्यंजन के बाद स्वर चिन्ह के रूप में लगता है तो इसे मात्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। अब इन मात्राओं से भी क्या होता है, इन मात्राओं को व्यंजन के साथ में हम मिलाकर क्या बनाएंगे, शब्द का निर्माण करें। क्या करेंगे, शब्द का निर्माण करें। तो आइए हम कुछ जो स्वर है उनसे मात्राएं बनाना सीखते हैं कि कौन से स्वर से कौन सी मात्रा का निर्माण होता है। देखिए स्वर मात्राएं व्यंजन के साथ मात्राएं और शब्द। आपने पढ़े थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम 11 प्रकार के स्वरों को लिखते हैं कि ए आ ई ई उ उ रि ए आई ओ औ। ये हो गया आपके 11 प्रकार के स्वर। आपने स्वर 11 प्रकार के पढ़े थे, लेकिन मात्रिक स्वर 10 प्रकार के ही होते हैं। अब 10 प्रकार के क्यों होते हैं, इसमें से कौन से स्वर का लोप हो जाता है वो आपको मैं अभी बताती हूँ। जो आपका ए होता है वो व्यंजन में पहले से ही उपस्थित होता है, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यंजन में ए पहले से ही शामिल होता है, इसलिए इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। कहने का मतलब इसको मैं जीरो बना सकती हूँ। तो दूसरे नंबर पे आइए आ, तो आ की मात्रा कौन सी होती है, ऐसे लगाई जा सकती है, छोटी ई की मात्रा, इसको छोटी ई बोलते हैं, इसको बड़ी ई बोलते हैं, तो छोटी ई की मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे ऐसे लगा दी आप, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगा दी, जस्ट इसे अपोजिट उ बड़ा उ ए आई
तीन चार पांच छह सात आठ नौ और एक री की मात्रा होती है जो हमने बीच में नहीं लिखी, री की मात्रा। अब एक लाइन कितनी हो गई, दस हो गई। तो आपने पढ़ा कि स्वर कितने होते हैं, मुख्य स्वर कितने, ग्यारह प्रकार के, और मात्रक स्वर कितने होते हैं, दस प्रकार के। दस प्रकार के क्यों होते हैं ये भी आपको पता लग गया है। अब हम इनको व्यंजन के साथ में मिलाकर शब्द का निर्माण करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैं पहला सा आपका व्यंजन ले लेती हूँ कै, तो कै के साथ में इसका जॉइंट करती हूँ। जैसे कै होता है इसमें हलंत लगा देती हूँ, क्योंकि आपके जो व्यंजन होते हैं अगर ए शामिल नहीं है तो वो अधूरे होते हैं, ठीक है। अब मैं प्लस करके आपका इसमें ए लगा देती हूँ, तो ये कै क्या बन गया, पूरा आपका पूरा कै बन गया, ठीक है। अब आप ए का इस्तेमाल करो, तो कै में देखो प्लस आगे मात्रा, तो क्या बना का, फिर कै प्लस छोटी की मात्रा, तो क्या बना की, फिर आपका कै प्लस ऊ की मात्रा, क्या बना ऊ, सॉरी बड़ी की लगा भूल गए हूँ, कै प्लस बड़ी की मात्रा बराबर की। देखो ये छोटी और ये बड़ी में अंतर कैसे होता है, हमारे उच्चारण में उसका अर्थ पता लग जाता है। जैसे हम इसको थोड़े हल्के कंठ से उच्चारित करते हैं, जबकि इसको हम क्या करते हैं, थोड़े भारी कंठ से उच्चारित करते हैं। देखो मैं उच्चारित करके बताती हूँ की, और इसको कैसे करेंगे की, थोड़ा कंठ पे ज्यादा जोर पड़ेगा। अब देखो कै प्लस कू की मात्रा कैसे बना, कू छोटा कू है, कै प्लस बड़ा ऊ की मात्रा क्या बना कू, कै प्लस यहाँ पे री की मात्रा लगाती हूँ तो क्या बना क्री। देखो कुछ बच्चे इसका उच्चारण रे के रूप में करते हैं, ये रे नहीं होता, ये री होता है, तो इसका उच्चारण री के रूप में करेंगे। फिर आता है आपका कै प्लस ए की मात्रा तो क्या बना के, फिर आता है कै प्लस ए की मात्रा तो के। अब आता है आपका कै प्लस ओ की मात्रा तो क्या बना ओ, फिर आता है कै प्लस आउ की मात्रा तो क्या बना को। ये हो गया आपके स्वर के साथ में मात्राओं का मिश्रण। इस प्रकार से हम इनका शब्द का निर्माण करेंगे। देखो कैसे करते हैं, कै ले लो, क्या शब्द बना कै मैं, कम शब्द का निर्माण होगा। जैसे मैंने का का उच्चारण किया और मिला किसे किया, मैं से कर देती हूँ, क्या बन गया काम, किसका किताब, ठीक है। वैसे ही हम बड़ी की का भी एक उदाहरण के रूप में देखेंगे, तो क्या बनेगा इसमें की कू कुल बड़ा कू बीच में तो कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत हो
जो आपकी प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हो। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।